हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आम की कुल्फ़ी। तो इसके लिए मैंने दो आम ले लिए हैं। अब हम क्या इनको धो लिए हैं मैंने, अब ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। बहुत हल्का सा ही ऊपर से कट करना है हमें। ठीक, कट कर दिया। ऐसे करके दोनों के कट कर लेंगे। और जो अब हम चाकू डाल के इसका जो बीज है, इसका मतलब आम की गुठली, उसको पूरा अच्छे से निकालने की कोशिश करेंगे। केवल गुठली गुठली निकालने की हमें कोशिश करनी है, जितनी हम निकाल सकते हैं। इसके चारों तरफ से एक बार हम चाकू चला देंगे। अब हम निकालेंगे इसको, एक जो पकड़ने का आता है ना बर्तनों को, गर्म बर्तन के लिए जब पकड़ते हैं, उसी से हम इसको घुमा घुमा के इजीली निकाल देंगे। चाकू से करने से क्या होगा कि इजीली निकल जाएगी बाहर। तो दूसरे आम की भी हम ऐसे ही निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, इस पर जो भी जो मैंगो का पल्प है उसको चाकू से अच्छे से निकाल लेंगे, ताकि जो सारा मैंगो पल्प यूज़ हो जाए हमारा। तो ये मैंने पूरा अच्छे से निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी मैंगो फल को वापस उस मैंगो के अंदर डाल देंगे। ऐसे कवर करके इसको साइड में रख देंगे। तब तक दूसरे आम का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। इसको चाकू से थोड़ा और अच्छे से कर लेती हूँ मैं पहले। ये भी बहुत आराम से निकल चुकी। और सेम हम क्या करेंगे, इसका मैंगो पल्प निकाल के वापस उसको मैंगो में डाल देंगे हम। दोनों मैंगो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको रेफ्रिजरेट कर लेते हैं थोड़ी देर तक के लिए। जब तक फिलिंग बनाएंगे बस तब तक के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, ताकि अच्छे से जम जाए मैंगो। तो चलिए अब फिलिंग बनाना शुरू करते हैं हम। तो मैंने ये आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध को पहले अच्छे से बॉयल आने दूँगी मैं, और इसको हम बिल्कुल रेगुलर हिलाते रहेंगे, नहीं तो दूध लग जाएगा, फिर जलने जैसे स्मेल आएगी हमारे मावे के अंदर। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम रख लेंगे। अभी मैंने डाला है, देखो दूध इतना सब हो गया है, मतलब आधा दूध हो चुका है, आधे से भी थोड़ा सा कम। तो अब मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो मैंने सुबह ही दूध से निकाली है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे जो है मतलब अच्छा फ्लेवर आएगा मावे का। 2 चम्मच डाल दिए मैंने, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इनको। ये हमें बहुत एंड स्टेज पर डालना है। तो आप देख सकते हैं, तो आधा किलो दूध आधा हो चुका है हमारा पूरा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई को पूरा। अब इसमें शुगर भी हम ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून शुगर मैंने इसमें ऐड की है। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छे से मिक्स कर होने देंगे शुगर को अब। जब हमारा इतना सा मावा बचे तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद मावा कितना सा हो चुका है। तो चलिए आम को हम रेफ्रिजरेटर से निकाल लेते हैं। अब मैंगो के अंदर हम वो फिलिंग ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखी है। फिलिंग रूम टेम्परेचर पर होगी तभी हम इसको ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम दाना हमको खाली ही रखना है क्योंकि जैसे रेफ्रिजरेटर होगा तो ये थोड़ा बाहर निकल के आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इनको खाली ही छोड़ेंगे। अब दोनों को वापस पैक कर देते हैं और इसको हम फिर से अब रेफ्रिजरेट करेंगे। लगभग 6 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं या फिर आप ओवरनाइट भी इनको रख सकते हैं। तो 6 घंटे हो गए हैं, मैंने सुबह इनको रखा था, शाम हो चुकी है। तो अब चलिए हम इनको छील लेते हैं और तैयार है हमारी आम की कुल्फ़ी, मैंगो डेजर्ट, कुछ भी बोलिए आप। तो अब इनको हम पतला पतला बाहर से छिल लेंगे और ये इजीली छिल जाएगा क्योंकि मैंगो जम चुके हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि छिलेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब इजीली केवल बाहर क्लियर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम दोनों आम को छिल लेंगे। तो दोनों आम को मैंने छिल लिया, अब हम इनको पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया, तैयार है मेरी मैंगो कुल्फ़ी। मैंगो का बहुत ही स्वादिष्ट डेजर्ट बनके भी बहुत इजीली तैयार हो जाता है। तो आप भी एक बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।